होटली में जाके कोई बचा नहीं सकता, ना कोई दवा बनी है, ना कोई ज्योतिष बना है, ना कोई व्यवस्था बनी है। जब मृत्यु आ जाएगी तो व्यक्ति ही पहुंच जाएगा। हर घटना जिंदगी की निश्चित है, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और समय से पहले कुछ नहीं होगा। बहुत लोग जिंदगी बीत गई करते हुए, अरे कुछ नहीं बनी, और जब टाइम आया तो पता नहीं चला कहां से व्यवस्था होता है। एक बात समझ लो, अब इसके आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ ये है, पैदल चलता था, साइकिल हो जाएगी, मोटरसाइकिल हो जाएगी, कार जीप हो जाएगी, हेलीकॉप्टर नहीं होगा। हेलीकॉप्टर की बात करते होते हेलीकॉप्टर हो जाएगा, भाग से ज्यादा कुछ नहीं होगा, समय से पहले कुछ नहीं होगा। और जब तक आएंगे नहीं तब तक तो कैसे भी कहीं रहो मस्त हो। और जिस दिन कागज पूरा होगा कोई बचा नहीं सकता। हर घटना जिंदगी के कर्म के अनुसार पहले से निश्चित हो चुकी है। अरे तू क्या मार सकता है, राहु गण ने जब ये सुना तो कृष्ण तो बहुत किए लेकिन साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे झूठा अभिमान था, मुझको एक राजा का भी अभिमान था, लेकिन सच्चाई आज पता चली और बस वही उसने संन्यास ले लिया। तब तक कुछ लोग जो जंगली लोग थे वो पकड़ ले गए भरत जी को, और एक विचार हो गया था इसको बलि चढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ले गए भगवान श्री नारायण के मंदिर में, स्वयं भगवान विष्णु जी काली बन करके और संत भरत की रक्षा की। भगवत कथा केवल इतना ही बता रही है, ध्यान देना, कि हम पूजा क्यों करते हैं, कथा क्यों सुनते हैं, भजन क्यों करते हैं, गुरु क्यों करते हैं। क्योंकि मेरा स्वभाव बन जाए, मेरी आदत बन जाए, और आदत में जो चीज होगी तो लोग कहते ना अंतिम समय, जब कोई वो अंतिम समय होता तो लोग जो कोई जाते तो यही कहते हैं तुम दुनिया में याद करो, ऊपर वाले की याद करो। और हो सकता है तुम्हारे चित्त में अगर एक बार झलक आ जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। नहीं तो जो चीज चित्त में रहेगा वही चिंतन में आएगा और वही अगला जन्म हो जाता है। अगले जन्म के लिए भगवत भजन बहुत जरूरी है और वो आदत में बहुत जरूरी है। इस कलयुग में जो काम आदमी करे, नित्य भगवत कथा सुने और जितनी सांस हो उससे भगवान का भजन करे, उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। फिर उसको ये नहीं होता कि फिर थोड़े दिन के बाद पैदा हो, फिर जवान हो, फिर मरे, फिर पैदा हो, तो हमेशा के लिए सुख में व्याप्त होता है। चलेंगे आप लोग सप्तम स्कंध की ओर। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने उद्धार किया, तो हिरण्याक्ष जब मारा गया तो हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। क्या नाम था? कयाधु। उसको हिंदी में कहते हैं कयाधु, यानी जिसमें अभिमान नहीं है। अब भगवान को क्या दे? राक्षस की पत्नी है लेकिन विचार बड़े सुंदर है, तो राक्षस की पत्नी। अक्सर ये देखा गया राक्षसों की पत्नी विचार अच्छे नहीं है, जैसे रावण की पत्नी थी तो राक्षस की पत्नी, लेकिन मनोदरी बहुत श्रेष्ठ थी। लंका में खाली विभीषण नहीं भगत थे,
लंका में विभीषण की एक बेटी है जिसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। तो उसके नाम से सिद्ध होता है त्रिजटा। तीनों प्रकार से वो भगवान के चरणों से जुटी है। चौपाई में जरा नाम देखेगा करता है, सब में भगवत कृपा देता है, वो विवेकी है, बाकी सब जानकार है। कोई कथा सुना दे, कोई पुराण की कथा सुना दे, कोई जान को जानकार है, हिंदी जानता तो हिंदी सुनाता, संस्कृत जानता संस्कृत सुनाता, उसको विवेकी नहीं कहते। विवेकी मनुष्य में एक ही को कहा गया, किसको? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी ने देखा याज्ञ बल किसी जब जाने लगे तो भरद्वाज राठो पद उनके चरण पर आसक्त नहीं पड़ी। याज्ञ बल कम परम तो त्रिजटा कौन है? रामचरण रत्न मेरे बंधु जरा ध्यान देंगे कथा का। लंका में एक नहीं है। एक बात बताऊं, आप लोग थोड़ा ध्यान देवे, गंधारी शंकर जी की बहुत बड़ी भगत थी और उसका पति अंधा था, उसने जिंदगी भर पट्टी आंख में बांध रखी, लेकिन पूरी महाभारत में पूरी श्रीमद् भागवत में गंधारी को धर्म पत्नी नहीं कहा गया, लेकिन मंदोदरी को धर्म पत्नी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने लड़के को, अपने पति को अंदर से यही चाहती थी कि राज मिले, और राज जो उसी को पत्नी, और मंदोदरी रावण को सौ बार प्रेरणा दिया है कि तुम राम की शरण में चले जाओ, और वो पत्नी कही जाती है। पत्नी में और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी राम को सब कुछ पावे फिर भी भौं है रहे तनी वही का नाम
पत्नी सब कुछ पावे फिर भी भ्रमणे रहे। नौजवान ने कहा कि जब से हम तुम्हारे से काम जाओ तो हमका बिना कुछ जान लियो पत्नी कहे नहीं मिला, खाना खाती हो, घर मिला, मकान मिला, जेवर मिले, कपड़ा मिला, लत्ता मिला, अब का चाहिए तुम्हारा? जो सब कुछ पावे फिर भी भ्रमणे रहे तनी वही का नाम पत्नी। जो पति को चैन झोंकी आला झाला वाला यानी माल शॉपिंग तक सीमित रखे वो पत्नी है, और जो भगवान के चरण की ओर प्रेरित करे भगवत कथा में ले जाए वो उसकी धर्म पत्नी है। जो वासना तक पति को प्रेरित करती वो पूर्व जन्म की उसकी शत्रु है, जल्दी मरो छुट्टी मिले। और जो भगवत चरणों में जोड़ती है वो उसकी धर्म पत्नी है, भगवान से जोड़ती है, परमात्मा से जोड़ती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी। हमारे हिंदू समाज में ही स्त्रियों को धर्म पत्नी कहा जाता है, बाकी कहूँ धर्म पत्नी नहीं है। हमारे हिंदू समाज में नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है।